थ्योरम, व्हाट इज एरिया थ्योरम? दैट इफ वी आर हैविंग टू सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, सपोज दे आर सिमिलर ट्राइंगल, इट इज गिवन दैट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर. रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के अगर एरियाज का रेशियो हम फाइंड करें, दैट मीन्स एरिया ए बी सी ओवर एरिया पी क्यू आर, इफ वी आर फाइंडिंग एरिया ए बी सी ओवर एरिया पी क्यू आर, इफ वी आर फाइंडिंग, दिस इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, बी सी स्क्वेयर ओवर क्यू आर स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर ओवर पी आर. Very important result that if we are having two similar triangles, then ratio of their areas is equal to square of the ratio of their corresponding sides. That means area, दोनों के area का ratio corresponding sides के squares के ratio के बराबर होगा. वैसे आपकी book में नहीं है, आप extra books पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि this will go for the perimeter also. Ratio of the perimeters also is equal to square of the ratio of the corresponding side. RD में दिया हुआ है. एक दो questions जब extra questions कराऊंगी ना तब discuss करेंगे. चलिए 6.4 is the application of this theorem. No doubt theorem is deleted, but its application is there. And इतने इसकी application के question जो हैं वो calculation based हैं और important भी हैं. तो लगता है कि इसमें आ जाएंगे एक तरह question आपको. 6.4 का first question देखो. We are given triangle ABC similar to triangle DEF. Area ABC 64 and area DEF is equal to 121. EF is given to be 15.4. We want to find BC. I will just tell you the line of actions. You will do the calculation yourself. हमेशा याद रखना, जब भी कभी हमें दो triangles की similarity और areas दिए हो, तब हम कौन से theorem को recall करेंगे? Area theorem को. We know that for similar triangles, ratio of the areas, that means area ABC over area DEF, this is equal to square of the ratio of the corresponding side. अब तीनों corresponding sides के square का ratio होता है. हमें कौन सी साइड्स लेनी है, इट इज अप टू अस. हमें जो साइड्स फाइंड करनी है हमें उनकी लेनी है. ऊपर है बीसी, बीसी वी वांट टू फाइंड बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ईएफ, बीसी स्क्वायर ओवर ईएफ स्क्वायर यूजिंग एरिया थ्योरम. एरिया थ्योरम को यूज करते हुए यू आर रीचिंग दिस, राइट? सो नाउ आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसके लेफ्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है. इसमें से आपको बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है. किसी भी एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज की वैल्यू फाइंड हो सकती है, बाकी की चीजों की वैल्यू को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. इसकी वैल्यू रिप्लेस बाय 64, इसकी 121. बीसी आई वांट टू फाइंड बीसी स्क्वायर एंड ईएफ स्क्वायर इज 15.4 स्क्वायर. नाउ इट बिकम्स एन इक्वेशन जिसमें से कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके बड़ी आसानी से बीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. कैसे? ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू दी हुई है ईएफ की, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, कटिंग हुई, कट गए, मर गए, और आपके पास बीसी बीस, हाँ मर्जी आपकी, बीसी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 125.44 आ जाएगी और बीसी आएगा आपके पास 11.2. मैंने कैलकुलेशन लिख दी कहाँ तक. आप कर ही लोगे, आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हमें सिमिलरिटी और एरिया दोनों दिए हैं, व्हिच थ्योरम वी विल अप्लाई? एरिया थ्योरम. क्या होती है एरिया थ्योरम? क्या होती है कृष्णा एरिया थ्योरम? अभी तो मैंने बताई आपको, अभी फिर क्या फायदा स्कूल आने का? दक्ष यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, शक्लें बता रही हैं आपकी. अखिलेश सिंह, सिमिलर साइड्स का स्क्वायर,
रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल की रेशियो ले लो, उनके एरिया की रेशियो लेने की कोई जरूरत नहीं है. रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू सिमिलर साइड का स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ओनली इन द केस इफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बेटे सुनो ध्यान से, ऐसे कोई फायदा नहीं होने वाला फिर क्लासेस में आने. ऐसे तो फिर घर पे ठीक थे हम, एसी भी चल रहा था, सुन भी नहीं रहे थे, कोई पूछ भी नहीं रहा था. बैठ जाइए. यस, ब्लैंक जरा फिल करना. इफ वी आर हैविंग टू डैश ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, देन रेशियो ऑफ देयर डैश, रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू डैश ऑफ द रेशियो, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर डैश साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. दो एक कंडीशन में ये थ्योरम लग सकता है, अगर हमारे पास ट्राइंगल्स क्या हो, सिमिलर हो. और रेशियो हमेशा किसकी होगी, एरियाज की. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन चीजों को टिप्स पे लेके चलोगे तभी ट्राइंगल चैप्टर का वहां पे कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. छह नंबर सीधे उड़े हुए हैं, बता दूं आपको, छह नंबर का ट्राइंगल आना है पेपर में. सेकेंड, डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम एबीसीडी, वी आर हैविंग अ ट्रेपीजियम एबीसीडी. हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे रिजल्ट याद रखना है तब जाके बात बननी. एबीसीडी विद ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी डीसी के पैरेलल है. डायगोनल्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ओ. वी आर गिवन ए बी इज डबल ऑफ सी डी. वी वॉन्ट टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एओबी एंड सीओडी. एरिया एओबी एंड सीओडी का रेशियो, जब भी कभी एरियाज की रेशियो फाइंड करनी आ जाए फिर वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मुझे इनके एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है तो आई शुड मेक इट श्योर दैट वेदर दे आर सिमिलर और नॉट. इफ दे आर सिमिलर दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर अस. फटाफट से हम इसकी सिमिलैरिटी देख लेते हैं दोनों की. दिस इज ट्राइंगल एओबी, दिस इज ट्राइंगल सीओडी. एवरीवन विल एग्री विद मी इफ आई से वन इज इक्वल टू टू. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करो. ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. कौन से एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मिल गए दो एंगल्स, दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल्स जब इक्वल हो जाएं. हाँ, एक मिनट, एक इधर आएगा, इधर आएगा. ठीक है, अगर हमें दो ट्रायंगल्स के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल जाएं, देन बाय विच क्राइटेरिया वी से, ए ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर. देखो कहीं पे आपने प्रूव नहीं करना पेपर में, सिर्फ आपने ऑरली इस चीज को करके देखना है. That they should be similar. Yes, they are similar by AA similarity. And if they are similar, which theorem can be applied? Area theorem. क्या कहती है area theorem, Krishna? हाँ जी. हाँ, equal to square of the corresponding side. So we will write here area AOB. Over area COD. देखो तीनों की तीनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, बट हम वही वाली साइड्स लिखेंगे जो कि हमें कहीं कहीं अपने गिवन में दिख रही है. ये दोनों दिख रही है ना, तो आप लिख दो AB स्क्वायर ओवर CD स्क्वायर. Why I am writing these sides only? Reason being because these sides are in my given. Had it been the other side, it would have been impossible for us to continue with that. Right? Satvik, you also come to the first bench. ठीक है, AB square over CD square. अब देखो हमें तो रेशियो निकालनी, जब भी कुछ चीज फाइंड करने के लिए बोला हो इट शुड बी न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में हमारे पास आंसर आना चाहिए. इसका मतलब AB CD दोनों गायब होंगे, 1 2 3 4 कुछ आएगा. तो हम रिप्लेस करते हैं AB को बाय 2 CD. हमें गिवन है AB is 2CD square over CD square. So this is equal to 4CD square over CD square. लो जी, CD square get cancelled. So what is the ratio of area of AOB and COD? 4:1. पेपर में चार ऑप्शन आने हैं 4:1. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके. 4:1, 1:4, 3:4, 4:3. Had it been COD ratio AOB, the answer will be 1:4.
अगर एओबी पहले है तो रेशो हो गई 4:1, अगर सीओडी पहले होता तो रेशो क्या हो जाती 4:1:4. इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. राघव बहुत आपकी आवाज आ रही है यहां तक. क्वेश्चन नंबर थर्ड. इन द फिगर विदाउट प्रूफ आई विल डिस्कस इट. बिना इसके प्रूफ के मैं रिजल्ट बताना बस. एबीसी एंड डीबीसी आर द टू साइड्स ऑन द सेम बेस. ओके यहां पे भी है. पता है उसको देख के बना रही हूं मैं. एबीसी एंड बीबीसी आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी. एबीसी एंड बीबीसी दे आर द सेम ट्राइंगल विद द सेम बेस बीसी. इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ. एडी को ज्वाइन किया जो कि बीसी को ओ पॉइंट पे मीट किया. ठीक है. इन दिस केस एरिया ट्राइंगल एबीसी ओवर एरिया ट्राइंगल डीबीसी दिस इज एओ ओवर बीओ. ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुश्किल है. हल्का सा प्रूफ बता देती हूँ ताकि याद रखने में आपको मुश्किल ना हो. इस केस में, ऐसे केस में हमें ये नहीं सोचना कि बात ट्रेपीजियम है, रेक्टेंगल है, क्या है. हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो एबीसी और डीबीसी है ऑपोजिट साइड पे ट्राइंगल है. एबीसी और डीबीसी एक दूसरे के आमने सामने है और एक वर्टेक्स, वन पेयर ऑफ वर्टेक्स को ज्वाइन करके जो लाइन आती है वो इनका क्या बन रही है, बेस. दैट बिकम्स अ बेस फॉर देम, राइट. इस केस में जो इनके एरियाज का रेशो होगा वो जो दूसरे दो वर्टेक्स को ज्वाइन करके लाइन आ रही है उनके हिस्सों के रेशो के इक्वल होगा. दैट मीन्स एरिया डीबीसी ओवर एरिया एबीसी, एरिया एबीसी ओवर एरिया डीबीसी, दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द अदर डायगनल विच इज मेड बाय ज्वाइनिंग द अदर वर्टिसेस एओ ओवर ओडी. इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है. थोड़ा सा मैं इसका प्रूफ आपको करवा देती हूँ ताकि पेपर में अगर आए, अगर पेपर में आए क्वेश्चन तो आप कर सको. देखो ध्यान. अब अगर मैं एबीसी के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें एक ही फॉर्मूला आता है जब तक हमें बाकी साइड्स वगैरह कुछ ना दियो. वी यूज टू प्रेफर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाफ इंटू बेस इसका बीसी. हाइट मेरे पास नहीं है, मैंने ड्रॉ कर ली ए एम. हाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, सो आई एम राइटिंग इट टू बी ए. दूसरे ट्राइंगल में भी हाफ इंटू बेस बीसी एंड हाइट इसकी भी मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी. लेट मी ड्रॉ इट टू बी डी एन परपेंडिकुलर. ये आया एरिया. ठीक है. हाफ हाफ कट बीसी बीसी कट, यानी कि इस साइड की वैल्यू इसके इक्वल हो गई ए एम ओवर डी एन. इसका आंसर मैंने ए एम ओवर डी एन निकाला, पर मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका आंसर आना क्या चाहिए, ए ओ ओवर डी ओ. अगर मैं इस ए एम ओवर डी एन को ही ए ओ ओवर डी ओ के इक्वल प्रूव कर दूं, देन वी विल रीच द रिजल्ट. हमने इसको सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड को, वी आर गेटिंग इट टू बी ए एम ओवर डी एन. अब किसी तरह से ए एम ओवर डी एन इज इक्वल हो जाए अगर ए ओवर डी ओ के, वी कैन डिराइव द रिजल्ट फ्रॉम देयर. अब देखना, इसका मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा ए एम ओवर डी एन ए ओवर डी ओ के इक्वल हो जाए. यही चाहती हूँ ना, यानी कि ये रेशो साइड्स की इक्वल हो जाए. इन साइड्स की रेशो को इक्वल प्रूफ करने के लिए इनके पीछे जो ट्राइंगल्स बैठे हुए हैं उनको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सिमिलर. ऊपर वाली साइड से ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है, ए एम ओ, और नीचे वाली साइड से डी एन ओ. इफ दे आर सिमिलर देन दो आर टारगेट विल बी अचीव्ड. आर दे सिमिलर, सी दिस ए एम ओ एंड दिस डी एन ओ, डू यू थिंक दे आर सिमिलर. वन एंगल इज 90 डिग्री ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड अनदर एंगल इज वर्टिकली ऑपोजिट, दैट मींस दे आर सिमिलर. सो यू कैन राइट दिस ए एम ओवर डी एन, यू कैन रिप्लेस दिस ए एम ओवर डी एन बाय ए ओ ओवर डी ओ. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पेपर में जब आ गया तो याद रहा तो बहुत अच्छी बात है. ए ओ ओवर डी ओ इसका आंसर आना चाहिए.
नहीं याद रहा तो क्या कॉन्सेप्ट बिहाइंड वर्क कर रहा है कि इस एरिया को स्प्लिट करो, बेस आपके पास है, हाइट चूज करो, और वहां पे पेपर में करते करते आपका ये आंसर बनेगा, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये आंसर नहीं, मेरा ये आंसर आना चाहिए, इसका मतलब मुझे इसकी जगह पे ये लिखना है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। जैसे ही मैंने इनको इक्वल देखा, मेरे दिमाग में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आया कि इन दोनों को इक्वलिटी के लिए मुझे सिमिलैरिटी में जाना है। सिमिलैरिटी पे जाने के लिए आई नीड टू ट्राइंगल, फ्रॉम अपर पोर्शन आई मेड ट्राइंगल AMO एंड फ्रॉम द लोअर पोर्शन आई मेड ट्राइंगल DNO, दे आर सिमिलर, सो दिस रेशियोज दे आर इक्वल, वी कैन रिप्लेस AM ओवर DN बाय AO ओवर DO, इज इट ओके? इज इट ओके? ऐसे देख रहे हैं जैसे अंटार्कटिका से आगे मैं बोल रही हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्लियर है? yes, कृष्णा नहीं क्लियर, क्या नहीं क्लियर हुआ पूछो, सारा क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हुआ। लेफ्ट हैंड साइड उठाई, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, जल्दी बोलो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है? वृंदा इज हेल्पिंग कृष्णा, ओके, देन हाइट, हाइट ड्रॉ की अपनी तरफ से, ठीक है, नीचे हाफ बेस, बीबीसी का बेस बोलो, नीचे वाला एरिया भी रिप्लेस होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कौन सा है, बीएम, इसका डीबीसी का बेस, दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, यही तो क्वेश्चन का गिवन है, बेस हो गया बीसी, इज इट ओके? इसकी हाइट क्या ली हमने, रॉकी डीएन, कट गए मर गए ये वाले, बचा क्या, एएम ओवर डीएन, इसका आंसर हमारा एएम ओवर डीएन आ रहा है, आना क्या चाहिए था, ए ओवर डीओ आना चाहिए था, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि इनकी प्रोपोर्शनैलिटी रेशियो इक्वल होनी चाहिए, और ये दोनों इक्वल करने के लिए हमें किसका किसका सहारा लेना पड़ेगा, सिमिलैरिटी का, क्योंकि सिमिलैरिटी बताती है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो हमने क्या किया, ऊपर से एक ट्राइंगल बनाया, कौन सा बना, ए एम ओ, नीचे से डी एन ओ, बाद में आना प्लीज, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स ले लिए, दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया, सिमिलर कैसे प्रूव हुए, ए एम ओ एंड डी एन ओ सिमिलर कैसे हुए, कौन सा क्राइटेरिया लगा सिमिलरिटी का, डबल ए, एक वर्टिकली ऑपोजिट, दूसरा 90 डिग्री, सिमिलर हो गए, जब सिमिलर हो गए देन एएम ओवर डीएन इज इक्वल टू एओ ओवर डीओ, एएम ओवर डीएन को इससे रिप्लेस कर दिया राइट हैंड साइड, इज इट ओके? हाँ जी, एओ एंड डीओ इक्वल तो मैंने कभी नहीं बोला, प्रोपोर्शनल है, और वैसे भी ये किसने बोला कि दो ट्राइंगल्स के हाइपो, दो अलग अलग ट्राइंगल है उनके हाइपोटेन्यूज कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, ऐसे तो होगी, हाँ क्या, मैंने तो लिखा ही नहीं, मैंने तो दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी को लिखा है, ये फर्क होता है प्रोपोर्शनैलिटी में और इक्वालिटी में, यस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा कल ना एक काम करेंगे, आज 6.4 कंप्लीट करेंगे, अगर पीरियड खत्म भी हो गया इवन देन आई विल कंटिन्यू, एक चीज करना है, 6.4 तक जितने क्वेश्चंस हमने आज कर लिए है ना, उनको एज ए रिजल्ट घर से लर्न करके आना, मैंने कल रिजल्ट सुन लिए 6 चैप्टर के सारे, कि अगर ऐसा हो तो क्या होता है, अगर वैसा हो तो क्या होता है, ठीक है, चलिए, यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यस, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल then they are congruent, without proof we will remember it, जिसको प्रूफ करना होगा बाद में आ जाना करा देंगे, दो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं और उनके एरियाज भी इक्वल हो गए तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी congruent, एक चीज याद रखनी, दो कंडीशन, एक सिमिलैरिटी की और दूसरी एरियाज इक्वलिटी की, अगर दोनों कंडीशन साथ साथ चलती हैं then the triangles are congruent, याद होगा आपको 9th में हम करते होते थे, congruent triangles का area equal होता है, but ये जरूरी नहीं है कि जो triangles का area equal हो वो congruent हो, this is not necessary, but it will be necessary if one more condition is added and that is of similarity,
अगर सिमिलैरिटी और एरिया दोनों कंडीशन एक साथ आ जाएं, देन वी विल से दैट द टू ट्रायंगल्स दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट. सिमिलैरिटी नेवर इंप्लाइज कॉन्ग्रुएंसी इंडिविजुअली. सिमिलैरिटी विल इंप्लाई कॉन्ग्रुएंसी ओनली व्हेन एरिया वाली कंडीशन साथ में ऐड है. दो सिमिलर ट्रायंगल्स एरिया इज इक्वल डेफिनेटली बी कॉन्ग्रुएंट. आ सकता है पेपर में किसी भी तरह से आपके पास क्या बन के एमसीक्यू बन के. तो एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर. एंड दो ऑप्शंस और कोई डाल के आप क्या लिखोगे, इफ दे आर क्या सिमिलर. एरियाज इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट तब होंगे अगर सिमिलर होंगे. नेक्स्ट, कल मैंने रिजल्ट सुनने, याद रखना जरा अच्छे से सारे पढ़ के आना बिल्कुल, एंड रिजल्ट्स को अपने मन में बिठा के. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी इन विच डी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी एबीसी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सीए एंड हियर इट इज शोन लाइक दिस. वी वांट टू फाइंड रेशियो ऑफ डीईएफ एंड एबीसी. नाइन्थ का क्वेश्चन है, टेंथ में आया हुआ है. टेंथ वाले तरीके से हमने करना ही नहीं, मैं नाइन्थ वाले तरीके से करवा दूंगा, देखना जरा ध्यान से. आपको याद होगा नाइन्थ में हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, देखना जरा कैसे. दिस इज ई एफ, डी ई एफ सारे क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट. लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश टू द थर्ड साइड, पैरेलल टू द थर्ड साइड बाय विच थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम. इसका मतलब ये ई एफ ये किसके पैरेलल हो गई, ई एफ पैरेलल टू ए बी. अगर ए बी के पैरेलल है, पूरी ए बी के पैरेलल है, तो उसके रास्ते में आने वाली हर लाइन के पैरेलल. इसका मतलब ई एफ डी बी के भी पैरेलल होगी. एग्री, ई एफ पैरेलल टू डी बी. मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते हुए हमने ये बता दिया कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. अगेन D and F are midpoint. DF is a line joining the midpoints. Using midpoint theorem, this DF is going to parallel to BC. And if DF is parallel to BC, that is going to parallel to BE also. Iska matlab this DF is parallel to BE and this is parallel to this. 2 minute ke liye board, baki ka hum agar rub kar dein, to aapko ye quadrilateral kya lag raha hai? Parallelogram. Because if two pair of the opposite sides each get parallel to each other, then that quadrilateral is going to be a parallelogram. पता चला सबको कि ये parallelogram बन गया. हमें result पे जाना है, ठीक है, बहुत जल्दी हम result पे पहुंचेंगे, पर उसके लिए हमें थोड़े से concept तो दिमाग में रखने ही पड़ेंगे. अब अगर ये parallelogram है, फिर से इसको rub कर दिया मैंने, DE इस parallelogram का क्या है, diagonal. And parallelogram के diagonal की एक property होती है, that diagonal of parallelogram divides it into two triangles of equal area. याद है सबको? Ninth का, tenth का नहीं कुछ याद, हमें ninth का कहाँ याद. Area DEF is equal to area DBE. Agree? इस diagonal ने parallelogram को जिन दो triangles में divide किया, जिन दो हिस्सों में divide किया, वो दोनों areas आपस में equal हो गए. अब देखना जादू होने वाला है. इसी तरह से सब कुछ करते करते हम सेम स्टेप्स अप्लाई करते करते ये प्रूव कर सकते हैं कि ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम. और इसके भी दो ट्राइंगल जो इसके बीच में बैठे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इनके एरियाज भी आपस में क्या है, इक्वल है. डीईएफ का एरिया एडीएफ के भी इक्वल है. इसी तरह से प्रूव करते करते हम इस क्वाड्रिलेटरल को भी कह सकते हैं कि इसमें भी एरिया डीईएफ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इज इक्वल टू एरिया एफईसी. सारा इकट्ठा बताते हैं. एक मिनट, ये जो बीच में ट्राइंगल बैठा है ना डीईएफ, इसका एरिया सेकंड के इक्वल भी हो गया, ऊपर जो बैठा है, इसका एरिया थर्ड के इक्वल भी हो गया जो राइट साइड पे बैठा है, और इसका एरिया फोर्थ के भी इक्वल हो गया जो इसके लेफ्ट साइड पे बैठा है. पूरे ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल्स हैं, फोर. चारों का एरिया आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है.
तो इसका मतलब ये हुआ दैट वी कैन राइट एरिया डी ई एफ, ऐसे लिख दो, एबीसी का एरिया डी ई एफ के एरिया के कितने टाइम्स हो जाएगा? थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, ऐसे डी ई एफ जैसे चार ट्राइंगल्स इक्वल एरिया वाले मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा? एबीसी. तो एबीसी एरिया इज फोर टाइम्स डी ई एफ एरिया. गेट कैंसिल्ड, 1:4 इज द आंसर. अच्छा लिसन, रिजल्ट को याद कैसे रखना है? प्रूफ तो मैंने करवा दिया, सुनो ध्यान से, याद कैसे रखना है? दैट इफ वी आर हैविंग अ ट्राइंगल एंड थ्री मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड, राइट, एंड जॉइनिंग दोस मिड पॉइंट्स द ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल ट्राइंगल, फोर ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया. तब आप इनमें से किसी भी एक की रेशियो, किसी भी एक ट्राइंगल की, आई एम नॉट सेइंग ओनली डी ई एफ, पेपर में डी ई एफ की जगह डी ई बी भी आ सकता है, ई एफ सी भी आ सकता है, ए एफ डी भी, कुछ भी आ सकता है पेपर में डी ई एफ की जगह, कुछ भी आ जाए, अगर हमें उसका एबीसी के साथ रेशियो देखना है, आंसर विल ऑलवेज बी 1:4. क्योंकि अगर हम एडीएफ के साथ देखें इसकी रेशियो, तब हम कह सकते हैं चार एडीएफ बनेंगे तब डलेंगे तब एबीसी बनेगा. ठीक है, तो रेशियो सबकी, सारे छोटे ट्राइंगल्स की इस बड़े ट्राइंगल के साथ रेशियो हमेशा कितनी रहेगी? 1:4. इज इट ओके? रिमेंबर दिस एज ए रिजल्ट, प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. चलो ये भी एक रिजल्ट है, थोड़ा सा प्रूफ बता दूंगी ताकि दिमाग में इंप्रिंट रहे. प्रूफ दैट रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हमने कर लिया. बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रूफ दैट रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस. यानी कि एरिया थ्योरम में जो रिजल्ट हमने ट्राइंगल्स के एरियाज का साइड्स के साथ किया था, दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर मीडियंस ऑल्सो. देखो कैसे, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, याद रख लो बस इसको, तो उनका जो रेशियो ऑफ एरिया है साइड्स के स्क्वायर के तो इक्वल होता ही होता है. बट अगर मैं उनमें मीडियन ड्रॉ कर दूं, ए बी सी ए एम पी क्यू आर पी एन, तो वो मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होएगा. दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू. मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा करोगे अपने आप ही. देखो हमारे पास ये बी सी ओवर क्यू आर का स्क्वायर तो ये है ही है ना, BC over Q, या फिर आप लिख लो AB over PQ का स्क्वायर तो ये है ही है. सिर्फ हमें AB over PQ के स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करना है? AM over PN का स्क्वायर, AM over PN का स्क्वायर प्रूव करना है. इसका मतलब इन छोटे दो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव होएगी, करनी नहीं है, मैं वैसे थोड़ा लाइन ऑफ एक्शन बता रही हूँ. इन दोनों ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी प्रूव होएगी और वहां से AB over PQ जो है वो AM over PN से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा. इन दोनों की सिमिलरिटी बड़ी आसान है. देखो जरा, एक तो एंगल बी और क्यू इक्वल हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, और ऊपर से ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर से मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी एम ओवर क्यू एन हो जाएगा. साइड्स आ गई, दो साइड्स का रेशियो और बीच वाले एंगल्स अगर इक्वल हो जाए, देन एस ए एस रूल से दोनों छोटे ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर. ठीक है, और वहां से हमारे पास ए बी ओवर पी क्यू जो है वो ए एम ओवर पी एन के इक्वल आ गया. प्रूफ अगर समझ आया तो अच्छी बात है, तो केशव लिखी था हाथी जोड़िया देता, ठीक है, नहीं समझ आया तो और भी अच्छी बात है. ठीक है, रिजल्ट याद रखना कि एरिया थ्योरम में हमने जो ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल किया, वो मीडियन के केस में भी क्या होता है? ट्रू होता है. याद रखना इस रिजल्ट पे ऐसे ही. बट फर्स्ट कंडीशन इज ट्राइंगल शुड बी क्या बोलो? सिमिलर. दक्ष जी बहुत खुश हो, दसो की रीजन है, बार बार तुसे एक लेशना गल करने की कोशिश कर रहे हो.
अखिलेश को यहां बिठा दे बोर्ड के पास, बहाने से बोर्ड की तरफ देख लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर, क्वेश्चन का पहले एक नटशेल में स्टेटमेंट समझ लो। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, एक स्क्वायर है, उसकी साइड हमने ले ली ए ए। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल बने, एक बना इसकी साइड पे, साइड पे बना, तो अगर ये साइड ए है, ये भी ए हुई, ए भी ए हुई, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल। दूसरा ट्राइंगल बना इसके डायगोनल पे, और नेम रख लेते हैं ए बी सी डी क्यू ई। वन ट्राइंगल आई हैव कंस्ट्रक्टेड ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर, अनदर ट्राइंगल आई हैव कंस्ट्रक्टेड ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। क्या कहता है कि अगर ऐसे दो ट्राइंगल्स हो तो नेचुरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो साइड वाला ट्राइंगल है ना, इसका जो एरिया है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल। अभी देखना, एक मिनट में पता चलेगा कैसे। इसकी साइड ए, राइट, ये 90 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90। Using Pythagoras theorem, this will be a root 2. Everyone should know that diagonal of the square is equal to side under root 2. पता है ना हमें? Side root 2 will be the diagonal. Otherwise, जिसको नहीं पता, Pythagoras लगा। अब सबसे पहली बात, इस triangle की side है A. और ये भी equilateral triangle है जो बाहर की तरफ गया है। तो इसका मतलब इसकी एक side हमें पता चल गई कितनी? A root 2. बाकी भी कितनी होगी? दो ट्राइंगल्स आपके सामने हैं, एक की साइड ए है, एक की साइड ए रूट टू है। तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, किसका एरिया कम होगा, किसका ज्यादा? ए वाले का कम होगा। अगर एक नंबर 4 है, उसको मैं किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती जाऊं तो बढ़ता जाएगा। एक नंबर ए है, उसको मैंने रूट टू से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये बड़ी होगी। इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया कम होगा। और उसने क्या किया, कहा है कि जो साइड वाला है उसका एरिया डायगोनल वाले के एरिया के क्या है, हाफ है। निकाल लेते हैं दोनों का एरिया। जो साइड वाला है उसका एरिया आएगा √3/4a². एग्री? इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला बोलो, आता है कि नहीं? √3/4 कुछ है, कुछ आंदा जांदा, कितना होएगी गल फिर, पता है? √3/4a² और जो डायगोनल वाला ट्रायंगल है √3/4a की जगह पे आप क्या लिखेंगे? √2। स्क्वायर स्क्वायर दोनों को मिल गया, ए को मिला ए स्क्वायर बना, रूट टू को मिला टू मिला बना। दिस इसका एरिया, इसके एरिया का क्या है, हाफ है। ये हमें प्रूव कर, हाँ जी, हाँ वैसे वैसे ही हो जाता है। एक मिनट रुको, तो मैंने तो बोला ही नहीं, पीरियड खत्म हुआ है। देखो जरा, लिसन, बेंच आगे करके आप मेरे को मतलब वार्निंग दे रहे हो कि मैम हट जाओ, बहुत हो गया है ना। दिस इज √3/4a² डायगोनल वाले का एरिया साइड वाले एरिया का क्या हो गया, डबल। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, हाफ। अगर एक चीज दूसरे का डबल है तो पहली चीज दूसरे का क्या होगी, हाफ। So the area of the triangle which is described on the side of the square will be half the area of the triangle which is described on the diagonal of the square. आपको दोनों की साइड्स देके एक का एक की साइड देके दूसरे का एरिया पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ MCQ। ठीक है, चलिए अभी पीरियड खत्म नहीं हुआ, प्लीज इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। जिसने नहीं सुनना वो चुप करके बैठा रहे। दो क्वेश्चन रह गए, कल 6.5 फटाफट शुरू करके खत्म भी कर देनी हमने, और उसके बाद रिवीजन करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, दिलप्रीत, जस्ट टू क्वेश्चंस, एबीसी एंड बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी गिवन टू बी इक्विलेटरल, बी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, DBC का मिड पॉइंट। ठीक है, और यहां से एक ट्राइंगल उसने बनाया BDE। ABC और BDE के बारे में दिया हुआ है दैट दोनों के दोनों क्या है, इक्विलेटरल। इसकी साइड ले लो A, तो BD कितना हो जाएगा, D मिड पॉइंट है, A बाय टू।
इसकी साइड ए, इसकी साइड ए बाई टू आ गई दोनों की साइड। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की साइड आ जाएगी उसकी एरियाज निकल जाएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करके, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर। और वहां से आपको रेशो निकालनी है एबीसी की किसके साथ, बीडीई के साथ। निकल गई रेशो, देखना जरा फट। इवन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर फोर गेट कैंसिल्ड, फोर रेशो वन इज द आंसर। कृष्णा क्या नहीं पता चला? यस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। Sides of two similar triangles are in the ratio 4, ratio 9. What is the ratio of their areas? Sides का ratio देखो जरा, ABC over PQR. Ratio of the areas is equal to square of the ratio of the sides. That is 4 by 9 का square. तो कितना आंसर आया? 16 ratio. Exercise finished from my side. Tomorrow we'll start with 6.5.